Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 12, second part. Why I am saying second part? Because I wanted to complete this topic with the projectile motion derivation itself, but I couldn't finish due to lack of time. So I wanted to finish that topic now. So actually you imagine it as a part of that only. It is along with the projectile derivation only, you can imagine it that way. And it's again the same chapter, motion in a plane. So, and we are talking about the projectile section. So, when we are talking about the first question, you can see, show that there are two angles of projection for same range. For the same range, you are having two different, this angle of projection. And the second question is the relation between maximum height and range. So, after doing these two derivations, you can say, or proof, after that, we'll start solving numerical. So, when we are talking about the first question, show that there are two angles of projection for the same range. तो अभी ये ना क्या है, दे हैव ऑलरेडी ट्राई फॉर द डिफरेंट डिफरेंट एंगल. इन्होंने अलग अलग एंगल के लिए पहले से ट्राई किया हुआ है, उसमें से कोई दो एंगल है जो ना ट्रू वाले वैल्यूज है, मतलब जिन पे सेम रेंज होगा, हम उन वैल्यूज को लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है, देयर इज नो नीड टू वेरीफाई फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. हमको ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई नहीं करना है, वी ऑलरेडी नो कि कौन से दो एंगल के लिए आपको रेंज सेम मिलेगा. ठीक है, सो हम पहले डिस्कस करते हैं. तो फॉर थीटा वन टू बी थीटा, जो पहला एंगल अगर वो थीटा होगा, तो हमने क्या लिया, रेंज वन. रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर होगा साइन टू थीटा होगा अपॉन क्या होता है ये जी होता है, बट आई एम टेकिंग दिस इज थीटा वन, सो टू थीटा वन आई एम टेकिंग, करेक्ट. अब अकॉर्डिंगली जैसे हमने वैल्यूज लिया हुआ है अकॉर्डिंग दिस वैल्यू, सो यू स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा साइन टू थीटा हो जाएगा अपॉन क्या होगा ये जी हो गया. टू दिस यू कैन टेक एज इक्वेशन नंबर वन. Now we'll go to the next part. Next part क्या होगा for angle. So जो next angle है ना, ये angle उन्होंने बहुत सारे angle try किए थे, उसमें से एक angle ये है कि जो theta है उसका हम 90 minus theta लेते हैं तब आपको शायद range same मिले, तो उसके लिए हम देख लेते हैं. तो R2 का formula क्या होगा, R2 will be u will remain same, it's sine, it will be 2 theta 2 upon what g. अब value रख लेते theta 2 की, so it's what R2 is equal to, it's u square sine 2 is there, theta 2 की प्लेस क्या पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, करेक्ट अपॉन जी. ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमें ना इस कॉन्सेप्ट को कई बार और कई जगहों पे यूज करना है. ठीक है, सो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये यू स्क्वायर हो गया, दिस व्हाट साइन 2 विल दिस गो इन साइन, तो क्या होगा ये 180 माइनस क्या हो जाएगा ये 2 थीटा हो गया अपॉन क्या हो जाएगा ये जी हो जाएगा. एक और पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एंगल है ना साइन 180 माइनस थीटा है, वी हैव अ साइन 180 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, बट एट प्लेस ऑफ थीटा दे आर गिवन 2 थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा. तो व्हाट विल हैपन टू रेंज 2, सो रेंज 2 विल बी व्हाट इक्वल टू इट्स यू स्क्वायर, इट इज व्हाट साइन 2 थीटा अपॉन जी, बिकॉज साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. Exactly, yeah. So finally, आपको क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, आप चेक करो जाए एक बार 1 एंड 2 को क्रॉस वेरीफाई कर लो. सो 1 में क्या होगा रेंज का वैल्यू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, एंड r2 का वैल्यू इज आल्सो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, सो दोनों का रेंज क्या हो गया सेम हो गया. तो यू कैन सी ये दो एंगल के लिए आपको क्या मिलेगा सेम रेंज मिलेगा. अच्छा, अभी ये दो एंगल को हम आपस में क्या बोलते हैं ना, व्हेन यू कंसीडर दिस थीटा, करेक्ट, एंड यू कंसीडर 90 माइनस थीटा, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया 90, अगर एक एंगल है उसको 90 से माइनस करने के बाद जो एंगल मिलेगा, उस एंगल को 90 से माइनस करोगे तो जो एंगल मिलेगा वो दो एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपको लेना है कंडीशन में, तो ये इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एट एंगल ऑफ 20 डिग्री, क्लियर. So, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप ना 90 माइनस 20 करो, सो हाउ मच डू वी गेट, विल गेट 70. तो मतलब अगर आप 70 डिग्री पे भी किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो उसका भी रेंज क्या होगा सेम होगा. तो इट विल बी व्हाट 70 डिग्री के लिए भी सेम रेंज, एंड फॉर 20 डिग्री आल्सो सेम रेंज. बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैंने 30 डिग्री के लिए किया, इफ माई फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री, व्हाट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो 90 माइनस 30 डिग्री दैट इज व्हाट 60 डिग्री. सो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री यू विल हैव सेम रेंज. आप 45 डिग्री के लिए देख लेते हैं हम लोग, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री. सो ओनली 45 डिग्री इज द एंगल जिसके लिए आपको ना एक ही रेंज मिलेगा,
और किसी और एंगल के लिए वो रेंज नहीं होगा, मतलब एक रेंज तो सभी के लिए होगा बट वो रेंज किसी और एंगल के लिए नहीं होगा. वाई? बिकॉज 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 ओनली. सो दैट्स देयर इज नो इशू. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है. सो जो अगला क्वेश्चन है इसके लिए क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ठीक है. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है. सो अब एक हमारे पास फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? साइन टू थीटा. तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि हमको ना रिलेशन निकालना है इसके बीच में, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच में. तो अभी हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? हाइट का फॉर्मूला भी नो, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, ये टू जी हो जाएगा. ये मैक्सिमम हाइट का है. सो यू कैन चेक फ्रॉम योर डेरिवेशन, जो अपने आप डेरिवेशन क्या प्रोजेक्टाइल का वहां से आप चेक कर सकते हो. सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन. सो इफ यू आर फाइंडिंग द रेंज, अच्छा यहां पे ये है ना मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का मतलब ना, यहां पे ये पॉइंट आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट का. अगर आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल, फॉर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंड फॉर दिस रेंज, जो हाइट मिलेगा ना वो हाइट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट. फॉर दिस कंडीशन के लिए ये जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा. दिस हाइट इज मैक्सिमम फॉर दिस कंडीशन. ऐसा क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट करो. फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल जो भी रेंज होगा, फॉर दैट रेंज वॉट एवर इज हाइट, मैक्सिमम हाइट. क्योंकि अभी देखो यहां पर ये पर्टिकुलर पार्ट में ये भी हाइट, ये भी हाइट, बट ये मैक्सिमम हाइट है फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन. तो अब यहां पे रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. इसको और अगेन मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, ये यू स्क्वायर होगा. जैसा भी मैंने डिस्कस किया था ना, साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होता है, इट्स टू साइन थीटा इंटू क्या होगा, ये कॉस थीटा हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा. दिस व्हाट इक्वेशन नंबर टू. हमको हाइट और रेंज का रिलेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन वन को डिवाइड कर दिया टू से, ठीक है. तो क्या मिलेगा हमको, तो एच की जगह पर हमें एच मिलेगा, आर की जगह पर एच अपॉन आर में लिखा. तो एच का जो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा है, करेक्ट, अपॉन ये क्या है टू जी है इंटू, ये डिवाइड होता है, चलिए डिवाइड होगा, बट क्या मैं पूरी वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता हूँ ना, डिवाइड करने के बाद फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो मैं डायरेक्टली इन्वर्ट कर देता हूं. ये जी हो गया, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो गया, दिस इज टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा. अभी क्या कैंसिलेशन होगा, यू स्क्वायर विल कैंसिल विद यू स्क्वायर, जी विल कैंसिल विद जी, साइन थीटा विल कैंसिल विद वन ऑफ द साइन थीटा. सो क्या वैल्यू मिला, एच अपॉन आर इज इक्वल टू. अब यहां पे न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, डिनोमिनेटर में देखो ये टू और ये टू मिलकर क्या होगा, फोर हो गया, और फिर यहां पर क्या बचा है, कॉस थीटा. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो जाएगा टेन थीटा. तो ये वैल्यू आपको मिलेगी टेन थीटा अपॉन फोर. तो अब वो हिसाब से देखो तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, फोर एच अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल क्या हो गया, टेन थीटा, या फोर एच अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज फोर एच अपॉन कैपिटल आर. वॉट एवर वैल्यू वॉन्ट टू टेक यू कैन डू दैट. इज दैट क्लियर? सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इसके बाद. सो वी विल स्टार्ट. तो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लेंगे ना नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के ऊपर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करना है एंड हाउ डू वी टेक द डिटेल. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें. सो लेट्स सी, विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, हमको हेल्प करेगा समझने के लिए. तो अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है टू यू साइन थीटा अपॉन जी होगा, करेक्ट. हाइट का फॉर्मूला क्या है, हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, करेक्ट. और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. अच्छा अब इसमें ना मैक्सिमम रेंज का भी फॉर्मूला है, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के साइन टू थीटा की वैल्यू मिलता है इन टू वन, तो ये क्या यू स्क्वायर अपॉन जी. और ये फोर एच अपॉन आर टेन थीटा भी एक फॉर्मूला ही हो गया. सो क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. तो आपने डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये क्या हो रहा है इस केस में. सो ये कह रहे हैं कि एक बॉल है जो थ्रो किया है किसी ने 30 डिग्री पे, ऐसा मतलब विद द हॉरिजॉन्टल. तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री हो गया, किसी का अबव द हॉरिजॉन्टल ना, ये हो गया, करेक्ट, विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड होगा यू का वैल्यू कितना है, यह 28 मीटर पर सेकेंड. आप डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला, हमको इन्फॉर्मेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और यू का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 28 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है. अब ना इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल और ब्रैकेट में भी है. मान लो क्वेश्चन है 30 डिग्री
अब वो तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिया रहेगा, तो दूसरा पार्ट भी दिया हो सकता है, दूसरा पार्ट क्या दिया हो सकता है, और 60 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल से 60 डिग्री है ना, तो वर्टिकल का जो एंगल होगा ना, वर्टिकल वाला एंगल उसको आप क्या लोगे, थीटा डैश लोगे, तो वर्टिकल से जो एंगल है उसको आप ले लो 60 डिग्री। तो अगर वर्टिकल से आपको निकालना है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा वर्टिकल के साथ, मतलब अगर 60 डिग्री में माइनस कर दूं 90 में से, तो भी मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल मिल जाएगा। तो ये 90 माइनस क्या होगा वर्टिकल एंगल, दैट इज व्हाट 90 माइनस 60 इज वोट क्या हो गया 30 डिग्री। आपको एग्जाम में कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, मैंने ट्राई किया कि एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों कवर कर दूं, दैट्स अ बेसिकली थिंग व्हिच आई वांटेड टू डू। अब क्या बोला, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, सो कैपिटल एस क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, टाइम टेकन मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करनी है। फिर अगला क्या दिया, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, तो आपको क्या करना है, रेंज भी कैलकुलेट करना है। अच्छा जी का वैल्यू इन्होंने दिया है कितना, जी का वैल्यू दिया सेम कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं इस केस में। सो अब जो है कैलकुलेशन में अगर ध्यान दोगे तो अब क्या होगा, पहला पॉइंट अगर आपको हाइट बोला ना, तो हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, हाइट का फॉर्मूला यू कैन सी, तो हम किसी लाइन में कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, अपॉन क्या होगा ये 2g हो गया, यू स्क्वायर इन द सेंस व्हाट्स द वैल्यू फॉर यू, यहां पे स्पीड हो गया 28, सो 28 × 28 साइन स्क्वायर थीटा, तो कौन सा एंगल है यहां पे, साइन स्क्वायर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फिर अब क्या हो गया, अगर इस पॉइंट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 2 इंटू ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज व्हाट जी का वैल्यू, मैंने 9.8 ले लिया। अभी कैंसिलेशन करके देख लेते हैं, ये 14 7 जा 98 होता है, तो 14 7 जा 0.7 हो जाएगा, करेक्ट, अगर 14 2 जा ये हो गया, करेक्ट, दिस 2 विल कैंसिल विद दिस 2, 7 4 जा 7 1 जा एंड 7 4 जा, क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। अब ना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2, तो ये 4 हो गया, साइन 30 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 हो जाएगा, अपॉन क्या है 0.5, दिस आफ्टर कैंसिलेशन क्या करनी 1/0.1, सो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर। सो हाइट की वैल्यू मिल गई हमको। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin theta / g, सो दिस 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 / g का वैल्यू व्हाट 9.8, अगेन यू टू कैंसिलेशन विथ 14, 14 2 जा एंड 14 7 जा 0.7, करेक्ट, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर साइन 30, 2 × 2 × sin 30 is 1/2, correct? And 0.7. So this 2 to cancel. So it's 2/0.7, correct? 2/0.7. Now you multiply with 10 numerator denominator. So 7 se cancel chote rahe, to 7 to the 14. Then 6 is this. Then 7 age of 56. Then 7 5 jaw and then 7 jaw. So ye kya hoga time hai, to ye kya hoga itna seconds. So 2.857 or 2.9 seconds you can say. Approximate value lena hai. तो अब जो लास्ट पॉइंट है क्या, रेंज के लिए, तो रेंज भी हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज का क्या फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, करेक्ट, अपॉन क्या है ये जी है, लेट्स सी व्हाट्स द वैल्यू फॉर यू, यू का वैल्यू 28 है इनटू 28 है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इनटू 30 डिवाइड बाय व्हाट्स द वैल्यू फॉर जी, जी का वैल्यू कितना, जी का वैल्यू 9.8 है, तो दिस 14 से कैंसिलेशन 14 0.7 14 से कैंसिलेशन दिस वैल्यू इज व्हाट 2 जा, तो ये 0.1 हो जाएगा एंड दिस व्हाट 4 जा, 7 4 जा 28, तब अगर वो हिसाब से देखें तो ये क्या हो गया 4 2 जा 8 हो गया ना, ये हो गया 8/0.1 हो गया, क्लियर, इनटू ये क्या होगा साइन 2 इनटू 30 कितना होगा साइन 60 हो गया, ठीक है। अच्छा 8 डिवाइड बाय 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना होगा 40 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 40 इंटू रूट 3 का वैल्यू 1.732, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 7 जा 28 1 29 4 2 6, तो एक्चुअल में ये क्या 40, यहां पर अगर 0 मिले तो ये क्या होगा 69.28 मीटर, रेंज की बारे में तो ये इतना मीटर हो जाएगा, इज दैट क्लियर। अब हमारे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको बस समझना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना, क्यों यूज करना। क्वेश्चन में दिया इन्होंने अब प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका रेंज 50 मीटर है, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, एट विच एंगल द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ठीक है। क्वेश्चन में एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द एंगल, ठीक है। सो अभी ये क्या बोला इन्होंने, समझो कि अगर मैं डायग्रामेटिकली समझू तो ये जो है ये रेंज हो गया, रेंज की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, ठीक है, और वो कितने हाइट तक पहुंच रहा है, इट इज रीचिंग टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर अभी क्या बोल रहे हैं कि आपको ना क्या करना है, एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, सो मतलब एंगल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, थीटा मतलब ये किस एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ रहेगा। अब देखो यू एन और किसी की वैल्यू नहीं दिया है, हाइट और रेंज दिया तो कौन सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल था ना, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखा हमने टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन कैपिटल R, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं ना विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये 4 हो गया, h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू 10 हो गई ना, h की वैल्यू 10 हो गई। अब डिटेल के हिसाब से लेना तो देख लो आप यहां पे R का वैल्यू कितना होगा 50 मीटर और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर, गॉट इट, नॉट वेरी डिफिकल्ट। R का वैल्यू कितना 50 है, ये 10 5 साल एक हिसाब से देखो तो 4 अपॉन 5 हो गया, सो कैंसिल वैल्यू 0.8, सो 10 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8। सो यहां पे हमने वाइंड अप कर देना है क्योंकि अभी मैंने लॉग आपको बताया नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लॉग के हिसाब से अगर किसी ने कैलकुलेट किया तो उनको वैल्यू कितना मिलेगा। तो ये 0.8 का जो वैल्यू आ रहा है, यहां 38.66 डिग्री आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप लॉग बुक से कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट राइट नाउ विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसके साथ में कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा, अगर एच और आर की वैल्यू क्या हो इक्वल होगा तो थीटा की वैल्यू निकालिए। तो वापस निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है 4h अपॉन कैपिटल आर, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखो 4 हो गया, एच की वैल्यू एच है और आर की वैल्यू भी क्या हो एच होगी, कैंसिलेशन, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू 4। तो अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ 4, करेक्ट, सेम इशू कि अब यहां पे जैसे ना यहां पे ये पॉइंट तक हम निकाल सकते हैं, उसके बाद होगा मुश्किल होगा हमारे लिए, तो बट इसका वैल्यू होता है ना 75 डिग्री 58 मिनट, वैसे होता है अगर आप लॉन्ग बुक यूज करते हो तो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं बीच में कोशिश करूंगा कि आपको लॉन्ग बुक भी सिखाऊं, बट उसके लिए लॉग बुक रहेगा तो फिर बेटर होगा, राइट नाउ आई डोंट हैव अ लॉग बुक बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। लॉग बुक अरेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली आई टीच यू ऑल कि हम लॉग कैसे यूज कर रहे हैं इस केसेस में, ठीक है। तो ये एक स्टेप है जो आपको फिलहाल मैनेज करना पड़ेगा, रिमेनिंग यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। नाउ व्हाटएवर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकली आप समझ जाओगे कि क्या करना है, तो बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट, मतलब ना दो एंगल ऑफ पोजिशन है, एक एंगल ऑफ पोजिशन की वैल्यू क्या है थीटा, वन की वैल्यू क्या है थीटा है, ठीक है, और थीटा टू का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। दोनों के लिए जो यू की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है, मतलब यू वन यू टू की वैल्यू क्या हो गई, वो यू हो गई, सेम स्पीड ऑफ पोजिशन। तो बोल रहे हैं इन दोनों के लिए जो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो निकालना आपको, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंडीशन है जो मैं बता देना चाहता हूं, एक ना वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं आपको अभी बता रहा हूं तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये कहीं ना कहीं यूज होगा इस क्वेश्चन में, है ना, वो आइडिया आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपने टेंथ में किया होगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो अब यहां पर देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने क्या किया टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट के लिए निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या होगा ये 2 हो गया, वेलोसिटी सेम होगी, एक होगा साइन थीटा 1 हो गया बराबर, अपॉन क्या होगा ये जी होगा, मैं वैल्यू यहीं पे रख लेता हूं, है ना, यानी तो चलेगा, अगले स्टेप में भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं है। टी वन इज ये 2 हो गया, ये यू हो गया, साइन थीटा हो जाएगा ना, अपॉन क्या होगा ये जी हो गया, जैसा इक्वेशन ऑफ 1, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू हमने क्या लिया थीटा लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 1 आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट 2 देखते हैं, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट जब एंगल 90 माइनस थीटा है तो क्या हो गया 2 हो गया, यू हो गया, हमने क्या लिया साइन थीटा 2 लिया, करेक्ट, अपॉन ये जी होगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेकेंड एंगल होगा, तो सेकेंड एंगल की वैल्यू क्या होगी
तो ये टू हो गया, दिस इज यू, दिस इज साइन, दिस इज वॉट 90 माइनस थीटा अपॉन वॉट जी। अच्छा आप वैसे ना ये लिख सकते हो, एनोमीटर के स्टेप पे आ सकता हूं। तो अब जैसे ना अभी मैंने वहां पे लिखा था फॉर्मूला, आई हैव रिटन फॉर्मूला ओवर देयर, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होगी, तो ये होगा टू यू कॉस थीटा हो गया अपॉन क्या होगा ये जी हो गया। दिस इज वॉट इक्वेशन नंबर टू। आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टी1 टू टी2, है ना। तो अगर आपने टी1 अपॉन टी2 ले लिया ना, मतलब इक्वेशन वन को आपने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर टू से, बोलने का ही मतलब है। तो इक्वेशन वन में क्या मिला आपको, इक्वेशन वन में आपको मिला है टू यू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या ये जी है। जब उसको आपने इक्वेशन टू से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा, बट ना बाद में क्या होगा, वो रेसिप्रोकेट होके ना मल्टीप्लाई होगा और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं कि क्या होगा, जी हो जाएगा अपॉन क्या होगा टू यू कॉस थीटा हो जाएगा। देखते क्या क्या कैंसिल, जी कैंसिल, टू यू कैंसिल, तो टी वन अपॉन टी टू का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा अपॉन वन। तो इसके लिए टाइम ऑफ लाइट वन टू टू का रेशियो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज टू वन, ठीक है। ये फॉर्मूला सब ये आया क्वेश्चन आपको, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, आपको प्रॉपरली समझना है, क्वेश्चन रीड करके आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या रहा है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा रीडिंग में थोड़ा भी इश्यू हो जाएगा देन आंसर विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू रूट थ्री टाइम्स द एक्चुअल रेंज। बोले मैक्सिमम रेंज इस क्वेश्चन में ये दिया है, क्या बोले मैक्सिमम रेंज जो है ना, मैक्सिमम रेंज जो आर मैक्स की वैल्यू है ना, वो क्या है, टू रूट थ्री टाइम्स है, टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ द एक्चुअल रेंज। तो अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द एक्चुअल रेंज, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू बताना है, थीटा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमको क्या पता है आर मैक्स का वैल्यू क्या है, तो अभी आप जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे सिंस, सिंस क्या होगा, जो वैल्यू मिला आपको क्या मिला, आपको आर मैक्स मिला है इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री मिला है इंटू कैपिटल आर। आर मैक्स की वैल्यू क्या आपके पास, आर मैक्स इज यू स्क्वायर अपॉन जी, ये टू अपॉन रूट थ्री, व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस जनरल रेंज, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, इट्स वॉट यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, वैल्यू विच कैन कैंसल आउट, यू स्क्वायर जी जी कैंसिल हो जाएगा, ये रूट थ्री बाई टू विल कम दिस साइड, इज इक्वल टू वॉट साइन टू थीटा। नाउ क्वेश्चन इज द विच एंगल ऑफ द साइन इज द विच वैल्यू ऑफ साइन इज रूट थ्री बाई टू साइन सिक्सटी, तो यहां पर हम क्या लिखा है साइन सिक्सटी वी कैन टेक, तो दिस इज वॉट साइन टू थीटा, सो फाइनली विल कम टू नो दैट साइन, तो टू थीटा इज इक्वल टू वॉट सिक्सटी, सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर थीटा, थीटा विल बी 30 डिग्री, ओके। सो दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, नॉट दिस वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल। आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ना लॉजिकली आप सोचोगे देन यू कैन गेट आंसर। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सो क्वेश्चन रीड करेंगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सो यू कैन सी क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट अ गिवन गन विल शूट थ्री टाइम्स एज हाई व्हेन एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज व्हेन फायर एट 30 डिग्री। ये पॉइंट को मैं फिर स्लोली रीड कर देता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। बोला शो दैट अ गिवन गन विल शूट थ्री टाइम्स, अ गन विल शूट थ्री टाइम्स कभी व्हेन एलिवेटेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब 60 डिग्री पे एलिवेटेड है एज व्हेन फायर एट 30 डिग्री, मीन जब 60 डिग्री पे जो हाइट होगा वो क्या होगा इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ 30 डिग्री होगा। बोल रहा है शो दैट गिवेन गन विल शूट, तो हमको क्या करना, शो करना है, तो ये हो गया शो दैट। तो जो पहला पॉइंट, इसमें दो पॉइंट को बोला उन्होंने, बोला कि शो दैट 60 डिग्री पे जो हाइट अचीव होगा वो थ्री टाइम्स होगा जो 30 डिग्री पे अचीव होगा। फिर अगला क्या बोला है, बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये दो एंगल पे अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा आर 60 और जो आर 30 होगा वो क्या होगा सेम होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लेट्स सी, अब क्या करेंगे हम, पहले तो हाइट का फॉर्मूला ले लेते हैं। सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर हाइट, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, यू स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये टू जी हो जाएगा। हम कौन सा एंगल ले लेंगे 60 डिग्री के, तो चलो ठीक है हमने ले लिया यहां पे एच 60, एच 60 की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर विल बी यू स्क्वायर, जो वेरिएशन होगा इसका सिर्फ एंगल का है, दे आर सेम, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। हो गया साइन स्क्वायर 60 हो गया अपॉन क्या होगा ये 2g हो गया। तो अब हमने क्या किया, यू स्क्वायर 2g को हमने वैसे रहने दिया, क्लियर। अब क्या है ना, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू,
करेक्ट, तो उसका स्क्वायर साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो साइन स्क्वायर 60 का मतलब होगा रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर। तो अब अगर इसको हम अरेंज करें तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो गया, एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया, इंटू क्या होगा ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब उसको और अरेंज करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, 3u स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया ये 8g मिल गया। चाहिए तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, कोई इशू नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, हम ले लेते हैं फॉर हाइट फॉर 30 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या होगा यू स्क्वायर हो गया, दिस वैल्यू व्हाट साइन स्क्वायर 30 हो गया अपॉन व्हाट 2g। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g विल रिमेन इन दैट वे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 इज 1/2 और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g विल रिमेन इन दैट वे, 1/2 विल टर्न टू व्हाट 1/4। अब ये क्या हो जाएगा 4 विल मल्टीप्लाई विद, तो दिस इज व्हाट यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 8g, दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 2। सो कैन वी रिलेट इक्वेशन 1 एंड 2, यू कैन सी इक्वेशन नंबर 1 दिस इज द यू स्क्वायर अपॉन 8g करेक्ट, एंड इट्स द वैल्यू ऑफ व्हाट x 30। सो आप मेंशन कर सकते हो ना, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, देयरफॉर द हाइट फॉर 60 डिग्री इज व्हाट 3 टाइम्स, ये यू स्क्वायर अपॉन 8g किसकी वैल्यू है, x 30 की वैल्यू है। तो जो पहला पार्ट शो करना था हमने कर दिया, क्लियर। अब अगला पॉइंट है रेंज के लिए, अच्छा रेंज के लिए फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूं, रेंज के लिए फॉर्मूला यही लिख देता हूं, स्पेस नहीं है, तो यू स्क्वायर क्या है साइन 2θ है अपॉन क्या ये जी है, क्लियर। अब एक और पॉइंट है जो मैं यहां बता देता हूं कि अगर साइन 180 - θ है, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, साइन 180 - θ की वैल्यू होती है sin θ, क्लियर। तो अब अगर मेरे पास ना वैल्यू है साइन 120 है, इफ आई हैव वैल्यू साइन 120, ये हमने पहले भी किया हुआ है बट फिर भी मैं बता रहा हूं, ऐसा वैल्यू लेना है 180 के टर्म में कि 120 की वैल्यू चेंज नहीं हो, तो 180 - 60 तो 120 ही होगा, तो इफ यू कंपेयर विद दिस वन ना 180 180, बट एट प्लेस ऑफ थीटा यू हैविंग 60, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, गॉट इट। यहां पर हम ना डायरेक्टली लिखेंगे तो देयर शुड नॉट बी एनी इशू, तो ये हमने क्या है हाइट के लिए निकाला था, ये किसके लिए होगा रेंज के लिए, तो रेंज किसके लिए होगा 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या यू स्क्वायर हो गया साइन 2θ अपॉन क्या होगा ये जी हो गया, करेक्ट। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यू स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर हो गई, अच्छा साइन 2θ, 2θ का मतलब ना वो फॉर्मूला पहले कितना कितने डिग्री के लिए हमने 60 डिग्री के लिए ले लिया है, इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा साइन 120 हो गया, क्लियर। अपॉन क्या हो जाएगा ये जी हो जाएगा, एज फॉर वी नो साइन 120 की वैल्यू हमने अभी यहां निकाली क्या √3/2 है, तो √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या होगा R30, R30 के लिए यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर, ये साइन हो गया, दिस इज 2 × 30 है ना 2θ, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए ले रहा, ये जी हो गया, ये वैल्यू क्या होगा यू स्क्वायर हो गया, दिस इज व्हाट साइन 60 अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, तो इंटू क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 4। तो अभी देखो ना थर्ड एंड फोर्थ को देखो आप, सो राइट हैंड साइड वैल्यू सेम, सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ व्हाट डू वी गेट, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th वी नो रेंज फॉर 60 डिग्री एंगल एंड रेंज फॉर 30 डिग्री एंगल विल बी व्हाट सेम। सो आई होप कि ये जो बातें मैंने आपको बताई ये समझ में आया होगा, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और थोड़ा बहुत लॉजिकली आपको सोचने आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।